गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेयर आर द रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 1 ऑफ सिविक्स, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बच्चे, जो दो क्वेश्चन आपके चैप्टर फर्स्ट में से रह गए थे, यहाँ पर उन्हें एक्सप्लेन किया जा रहा है। बिगिन विद क्वेश्चन 3, डिस्कस 3 सेलियंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन की 3 विशेषताओं के बारे में बताना है। सेलियंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर, फर्स्ट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है बच्चे? इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी विच हैज़ 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। बच्चे, यहाँ पर हमारी जो सरकार, हमारा जो देश है, उसमें जो सरकार है वो फेडरलिज्म है। मतलब यहाँ पर सरकार 2 लेवल पर काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। एक होता है बच्चे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट एक ही होती है, जो होती है सेंट्रल। तो हमारे देश में फेडरलिज्म है, मतलब यहाँ पर सरकार 2 लेवल पर कार्य करती है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट काम करती है स्टेट में और सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है पूरे देश में। सेकेंड इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द पीपल हु आर चोजन बाय द सिटीजन्स थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज रन द कंट्री। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है कि जो लोग भी चुने जाते हैं बाय वोटिंग, मतलब जिन लोगों को भारत की जनता वोट डालकर जिताती है, वो ही देश की सरकार चलाते हैं। थर्ड है सेपरेशन ऑफ पावर्स, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिफाइंस पावर्स बिटवीन 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। यहाँ पर हमें बताना है कि जो हमारे पास पावर्स हैं, हमारी गवर्नमेंट के पास जो पावर है, वो हमारे देश के जो 3 ऑर्गन्स हैं उनमें बराबर बढ़ती है। और वो 3 ऑर्गन्स कौन से हैं? लेजिस्लेचर, जो है लॉ मेकिंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव, जो है लॉ को इम्प्लीमेंटेशन करने की बॉडी, और जुडिशरी है, जो न्याय देती है। तो यहाँ पर है आपका क्वेश्चन 3। लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन 4, राइट अबाउट द फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। आपको यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स बताने हैं और उनकी, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं सिटीजन्स की, उनके बारे में बताना है। बिगिन विद फंडामेंटल राइट्स, फर्स्ट इज़ राइट टू इक्वालिटी, सेकेंड राइट टू फ्रीडम, थर्ड इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्थ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, लास्ट वन इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नाउ टाइम फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन्स। फर्स्ट ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन इज शो रिस्पेक्ट टू अवर नेशनल फ्लैग एंड एंथम। सेकेंड, गिव रिगार्ड एंड प्रिजर्व अवर नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज। थर्ड, प्रमोट पीस एंड हारमोनी। फोर्थ, अपहोल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ सॉवरनिटी, यूनिटी एंड ऑनेस्टी। सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। लास्ट वन इज डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंजरी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 1 कम्प्लीट होते हैं। Write down these 2 question answer in your fair notebook. Thank you.